भाई इंटीरियर जरा चेक करो भाई, जरा एक बार भाई, मतलब कि क्या ही बताऊं भाई। जिम टायर आते हैं इसमें, अलॉय लगा दिए हैं 18 इंच के C8 के टायर के साथ। पर बात करें तो अपना क्रोम लगा है 6 पीस का। टू की बात करें तो अपना टॉप मॉडल वाला हैंडल लग गया है, जो कि राइट साइड में सेंसर बटन रहता है। अच्छा, तो भाई ये जरा चेक करो भाई, ये देखो पीछे वाले सीट बोलते हैं, बंदा से नहीं दिखाते, आर्मरेस्ट देखो, आर्मरेस्ट एकदम अंदर ही रहेगा। तो भाई लोगों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑटो ड्रीम काया सीरीज में। और भाई ये गाड़ी देख रहे हो आप, ये गाड़ी में भाई ए से लेकर जेड जितनी भी स्कॉर्पियो एन की एक्सेसरीज अवेलेबल है मार्केट में, सारी लग चुकी है भाई इसके अंदर। और संदेश भाई, कौन सा मॉडल आने वाला अपना? ये भैया ZL प्लस है। प्लस है, मतलब कि भाई प्लस इसीलिए बोल रहे हैं, इसका मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ भाई जल्दी। तो भाई संदेश भाई स्टार्ट कर दो, क्या रीजन है पहले तो ये बता दो मेरे को। इसमें स्टार्ट रीजन इसमें क्या है भैया, इंटीरियर इसमें बहुत अच्छा हुआ है, एकदम प्रीमियम लेवल का, प्रीमियम लेवल का, प्रीमियम जिसको बोले लग्जरी प्रीमियम लेवल का इंटीरियर है। गाड़ी हमारे पास आई कैसी थी और जा कैसे रही है भाई, ये देखो भाई। और एकदम बेस मॉडल रहने वाला है, Z2 मॉडल रहने वाला भाई, फटाफट ZL प्लस बना दिया, ZL प्लस बना दिया। तो भाई फटाफट स्टार्ट कर दो भाई, क्या क्या काम हो गया साइड से। सबसे पहले तो हमारे रिम टायर आते हैं इसमें, अलॉय लगा दिए हैं 18 इंच के C8 के टायर के साथ। अच्छा, विद कैलिपर पेंट कर दिए हैं ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का भाई भैया, ठीक है भाई। इससे अपना लुक एकदम एनहांस होता है, एनहांस होता है। उसके बाद रूफ रेल लग गया है, ठीक है भाई, टॉप मॉडल में लग के आती है बोल्ट वाली वो है। सेकंड नंबर बात करें तो अपना क्रोम लगा है 6 पीस का, 4 पीस रिप्लेसमेंट पार्ट रहता है, लास्ट एक अपना पेस्टिंग रहता है, पेस्टिंग आइटम, पेस्टिंग रहता है, ठीक है भाई। उसके बाद डोर वाइजर अपना लग गया है गैलियो कंपनी का, स्कॉर्पियो इनका बैजिंग के साथ आती है, ठीक है भाई। नीचे उसके नीचे बात करें तो अपना टॉप मॉडल वाला हैंडल लग गया है, जो कि राइट साइड में सेंसर बटन रहता है। अच्छा, हाँ जी। तो भाई फिनिशिंग जरा चेक कर लो, और इसमें पेंट बाद में होता है, जो पेंट बाद रो पीस आती है, रो पीस पेंट करवाना पड़ता है। पेंट की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो भाई, कोई पता नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की बात करें तो नीचे अपना क्लाइडिंग हुआ है सिल्वर कलर का, चिली लेयर पेंट होता है, जिसकी 5 साल की गारंटी रहती है, ठीक है भाई, 5 साल की गारंटी रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। महिंद्रा जेन्युइन फुटरेस्ट लगा है, जेन्युइन महिंद्रा का, ठीक है भाई। उसके बाद अगर आगे चलते भाई अपने ORVM पे, ORVM भी फोल्ड हुआ है, इसको मैं आपको चाबी से चेक करवा दूंगा, अभी तो चाबी में कोडिंग करवानी है, बाकी अपना ऑटो फोल्ड हो चुका है, ठीक है भाई। और अगर आगे आ जाते भाई अपना फ्रंट में आ जाते भाई, फ्रंट में एकदम फ्रंट में आ जाते तो अपना वही मोस्ट डिमांडिंग चीज रहने वाली है, फोग लाइट महिंद्रा जेन्युइन का DRL के साथ फोग लाइट रहती है, ठीक है, वो रहने वाली है, बेजल वायरिंग सबके साथ रहती है ये। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट हम इसमें चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें रोशनी बहुत कम रहती है, लुक वाइज अच्छा रहता है, थ्रो वाइज अच्छा नहीं रहता है। सर को रात में ड्राइव करना है, रात में थोड़ा ड्राइव करना है, इसलिए थोड़ा रोशनी कम पड़ता है, इसलिए LED हमने लगाया, इसीलिए LED लगाया। कितने वाट का LED रहेगा? 180 वाट का LED लगी है लो बीम में, 180 वाट हाई बीम में। और अपना रिप्लेसमेंट का क्या गारंटी वारंटी क्या है? 2 साल की गारंटी है, ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट, आप कहीं से हो कॉल करो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा भाई। ये देख सकते हो भाई LED अंदर में चेक कराया, दिख रही है आपको LED भाई, 180 वोल्ट की रहेगी, और एकदम इससे ऊपर लगवाओ मतलब कि फायदा नहीं है भाई, सपोर्ट ही नहीं करता है भैया, जो बोल रहे हैं 240 200 वो सब झूठा बना रहा है। अगर कोई बंदा 180 वाट प्रॉपर इसमें सपोर्ट करके दिखा दे, जो बोलेंगे, ये भी हमने लगाया है। अच्छा, अगर मीटर से चेक करें तो 160-170 के बीच में रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ये जेन्युइनिटी आपने दी भाई, कोई क्योंकि हर कोई बताता नहीं ये चीज। और भाई अगर आगे आगे बात करें तो 7 पीस का अपना क्रोम लगाया है, जो 6 स्लॉट रहने वाला है, लास्ट का 7 पीस वाला पीस है, और ग्रिल भी पियानो है, ग्रिल भी पियानो हुआ है भाई, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, एकदम क्वालिटी देख सकते हो भाई इसका भाई, एकदम मिरर फ्रिज जिसको बोलते हैं एकदम मिरर की तरह दिखता है भाई एकदम ये, ठीक है भाई। नीचे बात करें तो अपना स्किड प्लेट भी पेंट हो गया है, ठीक है भाई, अपना स्किड प्लेट भी पेंट हो चुका है भैया, पूरा पूरा। गाड़ी आई थी अपना MP से, MP से, हाँ भाई काफी। और भाई ये गाड़ी कब आई थी ये बताओ जरा? गाड़ी भैया कल आई थी, और कस्टमर ने हमको क्या बोला था कि भाई आप 2 दिन रखो, 2-3 दिन रखो, दिन रखो, पर मेरे को काम चाहिए एकदम बढ़िया। ऐसा ही काम हुआ, ऐसा ही काम हुआ। तो भाई फटाफट सब एक बार इंटीरियर दिखा देते भाई, दोनों वापिस आ। तो भाई एक बार अपन बैग से भी दिखा देते, अपने बैग में भी कुछ काम हुआ छोटा मोटा, वो और दिखा देते भाई। तो भाई बैग पे आ चुके भाई, बैग पे अपना क्या क्या हुआ? बैग पे बात करें तो सबसे पहले अपना स्पॉइलर रहता है, ठीक है भाई, जो कि जरूरी ही है, गाड़ी हिला दो स्पॉइलर का कुछ नहीं होने वाला, स्पॉइलर का कुछ नहीं होने वाला रहता है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें तो अपना वाइपर चेंज हुआ है, जो कि वाइपर वर्किंग रहने वाला है, वर्किंग रहने वाला है, वाशर के साथ है भाई जी भैया। भाई देखो वाइपर चल रहा है, तो भाई ये जरा चेक करो भाई, तो भाई ये जरा चेक कर सकते हो भाई, पूरा वॉशर वॉशर पूरा वर्किंग है, ऑटो कट के साथ है, जरा भाई मैं बंद करने को बोलूंगा, देखना कहाँ पे बंद होता है भाई, ये देखो।
अपनी जगह पे बंद करेगा तो यहीं रुकेगा वो। यहीं रुकेगा भाई, अपनी जगह पे बंद जाके बंद होता है भाई, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई भाई। अपनी बात करें तो अपना ब्लो पंग का कैमरा सबसे पहले लगा है, DA05। हाँ जी भैया, सबसे बढ़िया क्वालिटी का यही कैमरा है अभी के टाइम पे। ब्लो पंग का बहुत अच्छा कैमरा आता है, ब्लो पंग का सबसे बेस्ट कैमरा, ठीक है भाई। उसके बाद अपना बम्पर क्रोम लगा है जो कि 3 पीस में रहती है, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर है जो कि रहता है इसमें, 4-5 हो जाती है, इंडिकेटर रिवर्स सारे चीज रहती है, ठीक है भाई। और अगर नीचे और आ जाते हैं तो भाई बात करें तो इसकी प्लेट इसका हो गया, डाइजेस्ट का अपना गार्ड लग गया, डाइजेस्ट कंपनी का भाई, जैसे आप देख सकते हो फिट एंड फिनिश देख सकते हो भाई, ठीक भाई। तो ये सारा भाई अपन ने एक्सटीरियर कवर कर लिया भाई, और जो मेन अपना हाईलाइट पार्ट है ना वो है इंटीरियर, तो है इंटीरियर है भैया। तो भाई इंटीरियर जरा दिखा देते भाई, कैस लेवल का इंटीरियर हुआ है, क्योंकि भाई कस्टमर ऐसे बोलेंगे भाई कि क्या ही बनाया भाई, और फर्स्ट ऑन यूट्यूब होगा ये, फर्स्ट ऑन यूट्यूब पक्की बात है, ये कलर का फर्स्ट ऑन यूट्यूब पक्की बात है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुई है जो कि किसी ने मतलब सोची ना होगी कि वैसी चीज हुई है। तो भाई फटाफट दिखा देते क्या चीज हुई है इसके अंदर भाई। संदेश भाई इंटीरियर दिखा दो यार, किसका वेट कर रहे हो भाई। भाई इंटीरियर जरा चेक करो भाई जरा एक बार भाई, मतलब कि क्या ही बताऊं भाई, एक यूनिक चीज़ और दिखाने वाला हूं भाई इसमें मैं आपको, क्या ही शानदार कलर है भाई, ये कलर बहुत शानदार कलर है भाई। तो भाई अपना कौन सा कलर है भाई ये और बताओ भाई। डार्क ग्रीन कलर रहने वाली है, डार्क ग्रीन कलर एकदम, ठीक है भाई। फिनिशिंग क्वालिटी वर्क और फिनिशिंग हमारी कलाकारी को चेक कीजिए, कलाकारी चेक करो भाई इसमें। सबसे पहले तो भैया अपना ये सॉफ्ट टच हुआ है जो कि सॉफ्ट टच है, उसके बाद इस वाले में हमने पेंट नहीं किए हैं, इस वाले में भी सॉफ्ट टच किए हैं, कपड़ा भाई ये देखो कपड़ा है ये। मैं आपको एक चीज मतलब कि आपको ना जैसे कि मैं डिटेल दिखाता हूँ, अगर कैमरा जस्टिस करा जैसे इसमें डिटेल दिख रहा होगा आपको, अब इसमें जरा देखो ये देखो दिख रहा है डिटेल, टेक्सचर दिख रहा है भाई, ये पूरा का पूरा इस डोर में पूरा का पूरा लेदर लग चुका है भाई, लगा सॉफ्ट टच, पेंट वाला कोई सिस्टम नहीं, पेंट वाला सिस्टम नहीं भाई। कस्टमर ने भाई इस बार कुछ यूनिक ही सोचा है, यूनिक सोचा है, बोला है मेरे को जैसा एक कलर है वैसा ही एक कलर चाहिए, अगर पेंट कर सकते हो तो कर दो, लेकिन ऐसा 19-20 का फर्क आता है, इसीलिए हमने इसको भी सॉफ्ट टच किए हैं भाई। ये देखो यार ये इसको यही चीज बताया था भाई, जो हाईलाइटेड पार्ट है ना ये अब तक किसी ने नहीं करा पूरे यूट्यूब में, क्या पूरी कोई भी मार्केट में नहीं हुआ ऐसा काम लेदर वाला। तो भाई अब और आगे देख सकते हैं भाई और आगे क्या होगा। आगे बात करें तो भैया अपना महिंद्रा जेनवन का स्विच प्लेट लगा है, प्लस स्विच भी चेंज हुआ है, ठीक है भाई, स्विच भी चेंज हुआ है। उसके बाद अंदर की बात करें तो इनर हैंडल अपना लगा है, और ये जो वाली पीस जो है अंदर का वो पियानो ब्लैक, पियानो ब्लैक। और देखो जैसे कि भाई आप देख सकते हो भाई ये अभी तक पन्नी तक नहीं उतरी, ये पन्नी भी देखो मैं ही उतार देता हूँ, ये लो एकदम जेनवन रहने वाला है इसीलिए। उसके बाद अपना ग्रैब हैंडल चेंज हुआ है जो कि ये भी रिप्लेसमेंट पार्ट रहने वाला है, ठीक है भाई। और K4 का एम्बियंट लाइट लगा है, K4 का एम्बियंट लाइट लगा है भाई। अभी तो देखो धूप बहुत ज्यादा है इसीलिए आपको जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, बाकी ये देख सकते हो आप एम्बियंट लाइट, ठीक है भाई। उसके बाद करें अंदर की बात करें तो अपना एक ट्यूटर से जो रहता है उसको पियानो ब्लैक किया है, वर्ल्टेक का ट्यूटर लगाया है। अच्छा वर्ल्टेक का ट्यूटर लगा भाई साथ में, ठीक है भाई। और भाई अपन अंदर बैठते हैं भाई, अंदर बैठ के दिखाएंगे जैसे पूरी गाड़ी कैसी दिखी है, डोर जो अपन ने कवर कर लिया है तो इंटीरियर और दिखा देते कैसा हुआ है। तो भाई अपन अंदर बैठ चुके हैं भाई, और ये कुछ लुक आएगा अंदर बैठोगे ना तो ऐसा लुक आएगा आपको मैं, पर ये देखो जरा गाड़ी चलाओगे ना तो भाई ऐसा लुक आएगा, और इतना लग्जरी फील होगा ना भाई पूछो मत भाई। संदेश भाई वाकई में भाई टॉप नॉच काम हुआ अपनी दुकान पे भाई इस बार वाला। आगे का भाई मैं डैशबोर्ड और जरा चेक कराया था, ये देखो ये लाइन देख रहे हो आप, एकदम स्ट्रेट लाइन है, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखेगी भाई, एकदम स्ट्रेट। भाई संदेश भाई क्या कहना चाहोगे भाई इन चीजों पे आप? इन चीजों का भैया यही है, अगर ऑटो ड्रीम पे गाड़ी आई है तो कुछ ना कुछ यूनिक तो होना ही, कुछ होना। तो कुछ यूनिक होगा। और अपना इंटीरियर के लिए तो अपन भाई जाने पहचाने हो गए, जाने पहचाने, कोई सी भी गाड़ी लेके आओ जैसा मर्जी आप बोलो वैसा इंटीरियर कर देंगे, ठीक है भाई। तो भाई ये तो डैशबोर्ड दिखा दिया भाई मैंने, एकदम ये वाली पीस जो ब्लैक आती है इसको हमने सिल्वर कर दिए है जो कि पेंट होते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड खुलने के बाद सॉफ्ट टच हुआ, ऐसा नहीं सो बूस्टिक लगा के अंदर वो घुसे, हाँ, वो सब नहीं हुआ, ऐसा नहीं, पूरा डैशबोर्ड खुलना ही खुलना है भाई, ठीक है। उसके बाद ये अंदर थोड़ा आ जाए तो स्टूडियो अपना वही रहने वाला है, स्टूडियो फ्रेम पियानो ब्लैक हुआ है, ठीक है। और ये पीस भी पियानो ब्लैक हुआ है, ये पीस भी पूरा पियानो ब्लैक हुआ, अपना डिप पेंट रहने वाला है भाई, ये स्प्रे पेंट वगैरह कुछ नहीं है, पूरा प्रॉपर डिप पेंट है, पूरा ब्लैक आते हैं, इसको हमने सिल्वर कर दिया, ठीक है भाई। ये भी हो गया, बहुत बढ़िया काम है भाई ये अपना। और अगर आर्मरेस्ट पे आते भाई, ये आर्मरेस्ट जरा चेक कर लो भाई, बाहर कुछ और है अंदर, अंदर ये चेक करो, एक भी रिंकल एक भी फिनिशिंग, फिनिशिंग देखो जरा, एक भी कहीं से भी आपको रिंकल दिख जाएगा तो कोई भाई बता नहीं सकता भाई, हाँ जी ठीक है भाई। ये तो बाद अपना स्टीयरिंग रैप हुआ है, स्टीयरिंग रैप भाई इस बार कुछ यूनिक वे में स्टीयरिंग रैप देखा है। देखो ये तो चांद डिजाइन तो आपको देखते हो नॉर्मल जो है अपना, ठीक है। और ये देखो भाई इस पे भी मैं आपको एकदम जूम करके दिखाऊंगा ना, ये देखो भाई पूरा टेक्सचर दिख रहा है,
ये जो टेक्सचर दिख रहा है ना भाई, ये पूरा लेदर है विद थ्रेड, मतलब कि विद स्टिचिंग के साथ हुआ है प्रॉपर भाई। भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज हुआ है भाई। इसमें कोई एयरबैग का अपना कोई इशू नहीं होगा? कोई इशू नहीं, बस खुल के कलाकारी है बस। बस कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई। ये तो एमआईडी बटन चेंज हो गया है, जो ठीक है, एमआईडी काम करती है, क्रूज कंट्रोल काम नहीं करती है। अच्छा हाँ, वो तो क्रूज कंट्रोल नहीं करेगा ये तो भाई, ठीक है। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन भी चेंज होता है अगर वाइपर आप लगवाते हो। हाँ जी, कॉम्बिनेशन चेंज होगा। अच्छा, ये पूरा चेंज होता है अपना पूरा पीस, ठीक है भाई। और अपना भाई अपना साइड में लग चुका है भाई, अपना साइड में अपना ए पिलर लग चुका है। आप बोलो या नहीं बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप बोलोगे ना नहीं भैया चेंज नहीं कराना मेरे को, फिर भी हम कर देते भाई, भले आप पैसे दो या ना दो, क्योंकि मुझे इसमें जरूरत लगता है। हाँ, क्योंकि भाई अपने भाई की हाइट थोड़ी छोटी है, इसलिए अपन को बहुत जरूरत लगता है भाई। लगता है घर में कोई फैमिली का एज वाले बंदे हो, उसके लिए चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद अपना सनग्लास होल्डर लगा है भाई, देखो फिटिंग देख रहे हो जरा, कहीं से आपको ऊंच नीच दिख रही है पहले तो ये बताओ आप, और कमेंट में भाई मेरे को जरूर बताना कि फिनिशिंग कैसी दिख रही है। देखो जरा मैं बोल रहा हूँ, कहीं से भी कोई कोई कुछ चीज नहीं दिख रही होगी आपको। देखो लगाना बड़ी बात नहीं होती है, फिनिशिंग बड़ी बात होती है। इसको खींच लो आप, हाँ भी कर लो, बाहर नहीं आने का है भाई। संदेश भाई एक और चीज बताओ, कोई कोई बंदे ना मार्केट में भाई अपना वो आफ्टर मार्केट लगाए थे, उसकी पहचान बता दो उसमें क्या है। उसकी पहचान ये भैया कि सनरूफ का बटन नहीं रहता है, और सेकंड बटन इससे ऑन ऑफ होगा, इससे। अच्छा, वो ऐसे क्लिक जो क्लिक करते हैं उसमें बटन नहीं रहता है। ओल्ड क्रेटा में जो आता था, हाँ जी हाँ जी, ओल्ड क्रेटा का रहता है, 2200 का है। अच्छा, वो वाला उसी चक्कर में, ठीक है भाई। और अपना सीट कवर जरा मैं चेक करता हूँ भाई, इस बार कुछ बहुत ही बढ़िया पैटर्न निकाला भाई अपन ने, ये देखो जरा भाई। इसको अपन पैटर्न को क्या नाम देंगे भाई? एक कस्टमर का डिजाइन था, अच्छा था कि सेंटर में हमको बर्फी चाहिए, बर्फी चाहिए, और बाकी टॉप मॉडल चाहिए भैया। भाई अब एक बात बताओ जरा, कस्टमर नहीं मतलब अपने व्यूअर से पूछूंगा भाई, कि आपको कोई रिंकल दिख रहा है? अपने पीछे वाली सीट भी देखो, ये देखो कोई भी रिंकल दिख रहा है तो बताओ भाई। ये देखो पीछे वाले सीट बोलते हैं, बंदा से नहीं दिखाते, आर्मरेस्ट देखो, आर्मरेस्ट एकदम अंदर ही रहेगा। ये देखो बोलते हैं पीछे का पीस नहीं दिखाते हो, ऐसा नहीं, ऐसे लग, बहुत सारे बंदा भी देखेंगे ऐसे, हाँ बाहर निकला हुआ रहता है आधा सा भाई, ऐसे अंदर जाएगा और अंदर बाहर होगा। बोलते हैं हेड ड्रेस नहीं दिखाते हो आप, हेड ड्रेस भी दिखा दो, एक भी रिंकल बता दो आप भाई। अगर रिंकल हुआ तो क्या होगा? रिंकल हुआ आप ब्लेड मार दो भैया उसी टाइम, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ब्लेड मार दो, नया लगेगा, एकदम नया लगेगा, एकदम नया लगेगा। ये तो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। उसके बाद अपना इसमें फ्लोरिंग नहीं हुआ, ए बी पीस सॉफ्ट टच हो गया है, दोनों साइड का छोटी वाली पीस, छोटा सा पीस है, पर भाई इसको भी अपन ने देखो पूरा लेदर से सॉफ्ट टच कर दिया पूरा। उसके बाद अपना फ्लोरिंग नहीं हुआ है, क्योंकि सर को बोल रहे थे इसमें ही लाता है, फ्लोरिंग नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, तो हमने मैट पे ही इस कलर का टचिंग दे दिया है ये। अच्छा, तो भाई ये अपन ने मतलब कि अपना डिजाइन बनवाया है, क्या करवाया है? मैट आया ही था हमने, इसके ऊपर टचिंग लगवाए हैं अपने खुद के, अपनी फैक्ट्री पे हुआ है ना ये काम, मतलब बाहर तो नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो आपको ये कलर का नहीं भाई। ये देखो जरा, और ये कस्टमाइजेशन की अपने कुछ चार्ज करा है नहीं करा, ये बताओ कस्टमाइज का क्या चार्ज है कि नहीं करेगा ना, क्योंकि भाई देखो इतना काम आदमी कराता है ना, तो हम भी अपनी तरफ से गुडीज देते हैं भाई, फ्री में देते ही है, मतलब कि कुछ भी पार्ट होता है मैं बोल देता हूं, ट्रस्ट कीजिए, आइए बस आपको काम नहीं करवाना, जस्ट दुकान पे आइए, आप तो किसी मार्केट में किसी न किसी से काम करवाना है, बस वही बात, दुकान पे आइए, बात करते हैं, काम आपको दिखाते हैं, पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी कॉल कीजिए, रेट पूछ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ठीक है भाई। तो मतलब कि एक तरह से ये कहना पड़ेगा भाई कि आप हमारे पास आओगे तो फ्री गुडीज कंफर्म मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि ऐसा आप बोलोगे ना भाई हमको कुछ तो लगा के, तो भाई हमारी तरफ से है भाई, वो अपने आप ही पता चल जाएगा कि भाई इसका तो कोई चार्ज ही नहीं लिया अपन से, तो ये बहुत बढ़िया बात है अपनी भाई। तो भाई और क्या बताऊं भाई, अपन गाड़ी तो ऐसी बना दी भाई कि अब इसको अच्छा बोल सकते हैं भाई, अपने करोल बाग में पहली बार हुआ ये कलर। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना भाई, अपने करोल बाग में, नाईवाला में भाई, ये कलर आज से पहले कभी नहीं हुआ, इतना डार्क, और ये जो क्वालिटी वाली चीज है ना इसका, आप है ना मतलब की ये देखो, हाँ हाँ, अब ये मेरे कहने से एक ये चीज देखो, इसमें टेक्सचर जो दिख रहा है ना, ये टेक्सचर आपको कहीं दिख जाएगा ना तो बता देना, क्योंकि वो सब होते हैं सोफा लेमिनेशन जिसमें एकदम प्लेन होता है, ये टेक्सचर नहीं आएगा आपको, ये जो टेक्सचर देख रहे हो ना ये टेक्सचर नहीं आएगा। तो भाई ये सारा काम अपना कहाँ पे हुआ भाई? ये अच्छा काम करवाना है तो अपना आना पड़ेगा ऑटो ड्रीम कार, बाकी बाजार में बहुत दुकानें हैं, बहुत दुकानें हैं, और अब्दुल अजीज रोड पे पड़ेगा भाई अपना, और फ्लैश हो रहे नंबर भाई अपनी स्क्रीन पे भाई, किसी पे भी कॉल करो और फटाफट से अपना बुकिंग कर लो भाई, क्योंकि अपने पास बहुत काम रहता है, तो बुक करके ही आना भाई, ठीक है।